के फजल व करम से। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया वाटर स्कफिंग, खांसी कैसे कहते हैं वो क्यों होती है, और आज इसके हम काजेज पढ़ेंगे खांसी किस वजह से होती है। दोस्तों काजेज में सबसे पहले आता है क्लियरिंग द थ्रोट, गले को साफ करने से। दोस्तों जैसे इम्यून सिस्टम में हमने पढ़ा था एयरवेज जो है वो लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये म्यूकस सीक्रेट करती है। जब बॉडी डिटेक्ट करती है कि बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया या वायरस आ गया, तो वो म्यूकस सीक्रेट करके उसे ट्रैप करती है। फिर खांसी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, उससे गला साफ होता है और वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसम से बाहर चला जाता है। तो ये सिर्फ ना सिर्फ बैक्टीरिया वायरल के लिए होता है, बल्कि ये जो है कोई पोलेंट्स हो गया तो उसको भी इसी तरीके से जिसम से बाहर निकालती है। दूसरा काज है इसका जो सबसे बड़ा, जैसे हम कहते हैं स्मोकिंग, सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो ये सिगरेट जो है क्रोनिक लंग डिजीज कराती है, COPD के काज कराती है। उसके बाद जो तीसरा इसका काज है वो दूसरे लंग डिजीज, जिसमें आ गए अस्थमा आ गया, नमूनिया आ गया, लंग का कोई कैंसर हो गया, ये सब जो है खांसी की वजह बन सकती है, कोई भी लंग की बीमारी हो। उसके बाद आता है कि कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ अद्वियात हैं जिन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी कफिंग हो सकती है। उसके बाद आता है जो हमारे आवाज़ का बक्सा है, वोकल कॉर्ड्स, जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, वो डैमेज हो जाता है या उस पर कोई प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है। वो प्रेशर दबाव किस वजह से आता है दोस्तों? अगर लंबी आवाज़ बड़े आवाज़ में बहुत देर तक बात करने से प्रेशर आ जाता है, प्रोलॉन्ग टॉक इन हाई पिच वॉइस, या कोई सिंगिंग कर रहा है और बहुत बड़े आवाज़ में कर रहा है, बहुत अरसे तक कर रहा है, बहुत देर तक कर रहा है, तो वो भी वोकल कार्ड पे प्रेशर करेगा, इसकी वजह से वोकल कार्ड डैमेज भी हो सकता है, आवाज़ में दबाव भी आ सकता है और ये कफिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों हमने कफिंग के काजेज पढ़े, क्लियरिंग थ्रोट, स्मोकिंग, लंग डिजीज, अस्थमा, कुछ अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट और वोकल कार्ड डैमेज और प्रेशर ऑन वोकल कार्ड। उम्मीद है हमारा ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल फिर आएंगे एक और टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।